ये देखा गया है। गाड़ीवान भी गाड़ी हाँकते समय कब गाता है, जब वो सुख में होता है। जलता पिसते समय या ढेंकी चलाते समय पहले की स्त्रियां गाने लगती थी, तो गान दुख में नहीं होता है, सुख में होता है। काम हो रहा है, आनंद आता है, तो गाने लगती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने काम में रहे लेकिन काम के समय भी भगवान की भक्ति करे, भजन गावे, यही यही जीवन है। लेकिन अब के काम में क्या वो गाएगा? काम करना ही एक बहुत भारी काम है, परिश्रम है, कि उस परिश्रम में क्या गाएगा? या लड़के जाते हैं स्कूल तो रिक्शा पर गाते जाते हैं, नहीं गाते हैं तो बस्ता का भार है, पढ़ना है, पहुंचना है, ये करना वो करना, ये कोई आनंद की लीला नहीं है, ये आनंद का काम है ही नहीं, तो गाए गाए क्या? लेकिन गोप सब गा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी जब आदमी तभी बजाएगा जब निश्चिंत हो। चकार से कोई कोई नाचते थे, गोदोहन हो रहा है, कुछ लड़के नाचते हैं, चकार से बताया जाए और भी बाजे बजाए जाते थे जो उनके स्वभाव के अनुसार बाजे सुलभ होते थे, गांव के ही स्वर निर्मित ऐसे बाजों को बजाया करते थे और गाते रहते थे। इससे गोदोहन का जो शब्द है खिड़क, वहाँ पर बहुत बहुत सुंदर आवाज निकलती थी, ये अर्थ अभिरव। गायंत भीष्टकर्माणी शुभानी बल कृष्ण स्वलंकृता भी गोपी भी गोपश्च सुविरारित। और गोपियां संपूर्ण ब्रज में राम कृष्ण यो बल कृष्ण यो शुभानी कर्माणी गायंत भीष्ट। श्री बलराम और श्री कृष्ण के शुभानी कर्माणी गायंत भीष्ट, परम पवित्र परम शुभ लीलाओं को गा रही थी। उन शब्दों से यह ब्रज विराजित था। गायंत भीष्ट, ये ऊपर से इसका अन्वय है कि गायंत भीष्ट गोपी भी, गोपियों के गान से वह ब्रज अभिरवम हो रहा था, अत्यंत रमणीय था। स्त्रियों का स्वभाव होता है गाना, तो स्त्रियां गाती रहती थी। कैसी स्त्रियां? यहाँ पर विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए, स्वलंकृता भी गोपी भी गोपश्च। स्वलंकृत अत्यंत सुंदर श्रृंगार की हुई गोपियां गा रही थी भगवान कृष्ण और बलराम की लीला को। यह बल कृष्ण कृष्ण और बलराम की लीला, अर्थात कृष्ण की लीला जिन लीलाओं में श्री बलराम जी साथ में थे, गोचारण की लीला विशेषकर, और भी माखन चोरी आदि की लीला, ये सब गाती रहती थी। गायंती भीष्ट, गाने वाली गोपियों के द्वारा सुविराजित। और गोपेश, गोप भी गा रहे थे और गोपियां भी गा रहे थे अपने अपने दल में, इससे वह ब्रज सुविराजित था। ये ब्रज की शोभा है। क्या गाया जा रहा था? बल कृष्ण यो हो, बलराम कृष्ण यो हो, शुभानी कर्माणी। कृष्ण और बलराम के अत्यंत सुंदर लीलाओं को गा रहे, कर्म को गा रहे थे। सजी हुई गोपियां, अलंकृत गोपियां और अलंकृत गोप, इनके द्वारा सुविराजित। और घर घर में, सभी घरों में अग्न्य अग्न्य का तिथि गो विप्र पितृ देवार्चना अन्वित है। अग्नि देवता, सूर्य देवता, अतिथि गो, गाय, ब्राह्मण, पितृ पितरगण और देवगण, इनकी पूजा से युक्त घर था। सभी सभी घरों में
भगवान सूर्य की पूजा की जा रही थी, अग्नि देवता की पूजा की जा रही थी। अग्नि देवता की पूजा का अर्थ है अग्नि में हवन किया जा रहा था जहाँ तहाँ घर घर में। घर की इस तरह से शोभा होती है जिसमें अग्नि देवता की पूजा हो, भगवान सूर्य को जल देना, नमस्कार आदि, सूर्य के स्तोत्र का पाठ वगैरह सभी घरों में हो रहा था। अग्नि अर्क अतिथि और घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत चल रहा था, उनका चरण धोना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, अतिथि सेवा हो रही थी। और गौओं की पूजा, गौओं को की पूजा का यहाँ अर्थ है कि सभी गौ गौएं चर करके आई थी, लेकिन फिर भी उनके लिए स्पेशल घास कूटी ये सब व्यवस्था की जाती थी। गौओं की पूजा का यही अर्थ है। यानी ये केवल अर्थ नहीं कि गाय की आरती की जाए और बड़े गो भक्त लोग जुट करके खड़े होते हैं, गाय भूखी रहती है, ये पूजा नहीं है गाय की। गाय की पूजा का अर्थ जवस देना, गवत देना, ये सब दिए जा रहे थे, गाय की पूजा का ये अर्थ। और विप्र ब्राह्मण की पूजा, तो ब्राह्मण की पूजा में मुख्य चीज है उनको भोजन देना। पहले के ब्राह्मण भगवान के भजन में रहते थे, वेद पाठ आदि का उच्चारण करने में, प्रायः वे तपस्या में रहते थे, खाने पर उनका ध्यान उतना नहीं रहता था। इसीलिए तपस्या में लगे हुए ऐसे भक्त ब्राह्मण को कोई खिलावे तो महापुण्य होता था। जब वर्णन मिलता है तो इतने ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। ये अर्थ नहीं है कि खा खा करके मर रहे थे, वास्तव में क्यों खिलाया जा रहा था, खिलाने वाले आखिर पूजा कर रहे हैं ना ब्राह्मण की, इतना ब्राह्मण के भोजन पर क्यों जोर दिया जाता था। इसलिए कि प्रायः वे निराहार रह करके भगवान के भजन में रहते थे, व्रत में रहते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना अति पुण्य की बात है। तो ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जा रहा था और भोजन के साथ चौ दक्षिणा का अर्थ होता है और मैंने दक्षिणा और क्या है। आगे धूप दीप च, वहां च का प्रयोग है। तो इस तरह से घर घर में भगवान अग्नि देवता, सूर्य देवता और अतिथि देवता, गौ, ब्राह्मण, पितृ और देवता, पितरों का अर्चन हो रहा है। वे भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वंश में जन्म हुआ व्यक्ति हमारी कुछ सेवा करेगा। पितरों के निमित्त से कुछ चीज कराया जा रहा था, से पूजा पाठ जो भी है, देवताओं की स्तुति इत्यादि। देखिए श्लोक सामने है, पितर और देवता की पूजा घर घर में हो रही थी। आजकल के लोग तो इतने अनन्य हो गए कि हम कृष्ण को जानते हैं और कोई किसी की नहीं करते। देखिए पढ़िए, ब्रजवासी सभी भगवान सूर्य की, अग्नि देवता की, गाय की, ब्राह्मण की, पितर की और देवता की पूजा कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या दिया जा सकता है। नहीं सकती है कुछ करने की तब तो महा अनन्य, उस पर भी ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ध्यान के अलावा कुछ करना ही नहीं, ये सब बहाना है। वास्तव में जीवन में जो करना जरूरी है वो करना चाहिए। सबके साथ संबंध है, पितरों के साथ, देवताओं के साथ, भगवान सूर्य के साथ, जिनके दिव्य आलोक में, प्रकाश में हम लोग जीते हैं, काम करते हैं। हमारा प्रत्येक दिन प्रारंभ होता है भगवान सूर्य के प्रकाश में, वे हमारे कर्मों के एक साक्षी भी हैं। कितना उपकारी है सूर्य, इस पर आदमी को विचार करना चाहिए।
ऐसे सूर्य को नमस्कार करना भी आदमी के लिए भार लगता है। पूजा क्या करेगा, तो दीपक क्या दिखाएगा भगवान सूर्य को, या और पूजा, केवल प्रणाम करना भी भार लगता है। सूर्य को अवश्य नमस्कार करना चाहिए। इस नमस्कार से अपना ऋण तो चुकता ही है, फायदा भी होता है, आँख की ज्योति बढ़ती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। सूर्य के द्वारा ही एक त्रिसंध्या का विभाजन है, सवेरे जब सूर्य उगते हैं और सायं जब डूबते हैं और मध्य दिवस जब आकाश में ऊपर रहते हैं, तो त्रिसंध्या कहते। वही हमारे जीवन की अवधि को नापने वाले भी हैं कि कितना जिए, इतना दिन जिए, इतना वर्ष, इतना महीना, इसके बाद समाप्त हो जाते। उनसे सबका संबंध है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध सूर्य से नहीं है? लेकिन ऐसे सूर्य की पूजा लोग नहीं करते हैं, करनी चाहिए। हमारे यहाँ बिहार में सूर्य की पूजा का एक दिन है बहुत विशाल, जिसे छठ कहा जाता है। तो प्रायः स्त्रियां उस पूजा को करती हैं। और बिहार के लोग जहाँ भी हैं और यूपी के, वे करते हैं। ऐसा नहीं केवल बिहार में ही भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, सब जगह देते हैं। लेकिन जो प्रकट देवता है इनकी पूजा न करके जो छिपे हुए देवता है इनकी पूजा करते हैं। लेकिन कितना अज्ञान है इस विषय में। बिहार को धन्यवाद है कि जहाँ लोग सूर्य के उपकार को समझते हैं, पूजा करते हैं। पर यह दैनिक पूजा होनी चाहिए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को प्रणाम करना और जल देना और भी दीपक अगरबत्ती फूल आदि अर्पण करना। यद्यपि वे सारे जगत को प्रकाश देते हैं, उनको किसी के द्वारा अर्पित प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी दीपक दिखाने पर भगवान सूर्य मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमको कुछ दे रहा है। दीपक की आवश्यकता दूसरे के लिए है ना, कि भाई जाइए भोर में उठकर कहीं ठोकर न लग जाए तो टार्च जला देना, दीपक जला देना। सूर्य को क्या ठोकर लगेगा और क्या कमी है उनको प्रकाश की, फिर भी सूर्य को दीपक दिखाया जाता है और उस दीपक को अपनी पूजा मान लेते हैं। ये तो केवल भाव की बात है, भाव से ही देवता प्रसन्न हो जाता है। भगवान सूर्य यदि भगवान श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता है कि उनको बहुत भोग लगाया जाए, रत्न अर्पित की जाए, माला अर्पित की जाए, उससे क्या उनका होता है। लेकिन फिर भी वे इसको ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम असना में प्रयताप। भगवान कहते मैं स्वीकार करता हूँ। तुच्छ चीजें हैं लेकिन फिर भी भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से कोई देता है तो उसको स्वीकार करते हैं, अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। तो इसी प्रकार देवता भी, भगवान सूर्य, भगवान अग्निदेव, इनका सत्कार किया जाता है तो लोग स्वीकार करते हैं पूजा। तो ब्रज के घर घर में सूर्य, अग्नि, अतिथि, गाय, विप्र, पितर और देवता की पूजा चल रही थी। पर कीर्तन किसका हो रहा था? बल कृष्ण यो शुभानी कर्माणी। पूजा चाहे किसी की हो रही हो, कीर्तन भगवान का होता था। इधर एक बहुत सुंदर बात गाते थे, चला सखी हरि कीर्तन गावे देवी के द्वारवा। हे सखी चलो, कहाँ चले? तो देवी के द्वार में, देवी द्वार, माता दुर्गा जी के मंदिर में चलें। वहाँ जाकर क्या करेंगे? तो हरि कीर्तन गाएंगे, कृष्ण का जस गाएंगे, हरि माने कृष्ण भगवान, भगवान का कीर्तन गाएंगे। घर में फुर्सत नहीं है, झंझट है, क्या क्या चिंता है, चलो भगवान के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में भगवान का कीर्तन गाएं। ये तो प्रसिद्ध बात है ना, चला सखी हरि कीर्तन गावे देवी के द्वारवा।
यानी कि देवी के दरबार में गया, दुर्गा जी के मंदिर में रात भर जागरण करके हाय हुई ये गाते रहे, ये ठीक नहीं है। कीर्तन गाना चाहिए, देवी जागरण करे देवी के मंदिर में, लेकिन पूरा रात भगवान का कीर्तन गाना चाहिए। यही जीव का स्वभाव है। यहाँ भी आप देख रहे हैं लोग कई देवता आदि की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गायंत भीष्ट कर्मा सुहानी बल कृष्ण, गाने में स्त्रियों का स्थान है, लेकिन इसके साथ साथ पुरुष भी गाते हैं, जहाँ हैं वहाँ गा ही रहे हैं, ये अर्थ है। विशेष स्वर है श्री गोपी जनों का, वे गाती। धूप दीपैश्च मालिश्च गोपावासैर मनोरमम। ब्रजमंडल और भी अधिक सुंदर लग रहा है, गोप गोपी आदि तो हैं ही, गा रहे हैं भगवान की लीला, और घर घर में धूप और दीप जले। धूप, धूप का अर्थ है धुआं पैदा किया जा रहा है, अगरबत्ती आदि जलाई गई, फर्स्ट क्लास के अग्नि जलाए गए हैं, धुएं निकल रहे हैं, सुगंधित धुआं। और दीपश्च, घर घर में देहली पर सर्वत्र दीपक जले। मालिश्च, और फूल बिखेरे गए हैं, मालाएं लगाई गई हैं तोरण पर, बंदनवार आदि सब। गोपावासै मनोरम, इस प्रकार से गोपों के घर से ब्रजमंडल बहुत सुंदर लग रहा है, और ब्रज बहुत सुंदर लग रहा है। नंदगांव मनोरमम, मनोरमम का अर्थ होता है कि जत्र मन रमति, जहाँ मन रम जाए, मन को आनंद दे, वो है मनोरम। मन को रमा देने वाला है ब्रज, खास करके उसमें गोपों के जो आवास हैं बड़े सुंदर हैं, और वहाँ धूप दीप माल आदि सजाए गए। सर्वतः पुष्पित बनम, सर्वतः पुष्पित बनम, और ब्रज में जो भी वन है, जो भी वृक्षावली है, सब पुष्प से भरे हुए हैं। सर्वतः पुष्पित वनम, सब जगह फूल ही फूल हैं। इसके द्वारा अपने आप समझ लेना चाहिए, फलम च, फल, फूल और फल से लदा हुआ है ब्रज। द्विजाल कुल नादितम, और वृक्ष कैसे हैं, पेड़ पौधे सब कैसे हैं, उस पर पक्षी भौंरे आदि, पक्षी और भौंरों के समूह का नाद हो रहा है, सब अपने अपने स्वर में गा रहे हैं। यह निश्चित है कि सभी श्री कृष्ण की लीला को ही गाते हैं, चाहे कोयल हो या मयूर हो, कोई भी पक्षी गा रहे हैं, और द्विज भौंरे तो भगवान कृष्ण की लीला को ही गा रहे हैं अपने शब्दों में। जैसे यहाँ कोई संस्कृत में भगवान का गुण गाने लगे तो संस्कृत जो नहीं जानता है वो नहीं समझेगा कि क्या गाया जा रहा है। जैसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि पक्षी कौन सी भाषा में भगवान का जस गा रहा है, भौंरा कैसे भगवान का जस गा रहा है, लेकिन वो जस गाते हैं। इसको भागवत में कहा गया है 15वें अध्याय में, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बलराम जी से कहे हैं कि भौंरे आपको छिपा हुआ देखकर भी पहचान गए हैं, और आपका संग नहीं छोड़ते हैं, आपकी वनमाला पर बैठते हैं और आपके साथ चलते हैं। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्य, ये आपके पार्षदों में सबसे श्रेष्ठ पार्षद हैं, और भौंरा बन करके आपका संग कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपका जस गाते हुए। अनुपदम, प्रत्येक क्षण आपका संग करते हैं, चलते हैं साथ। तो सर्वतः पुष्पित बलम द्विजाल कुल नादितम, भौंरों और पक्षियों के स्वर से नादित है, ये वन का वर्णन है। नादित होने से ही केवल अच्छा नहीं है, नादित का अर्थ है कि ब्रह्म शब्द, चिन्मय शब्द, भगवान के कीर्तन से, जस गान से मुखरित है। हंस कारंडवा किरणे पद्म संदेश मंडितम, और ब्रज में बहुत सरोवर हैं नंदगांव के आसपास, जो वर्णन चल रहा है, तो सरोवरों से भरा हुआ है ब्रज। और सरोवर कैसे हैं,
कमलों के समूह से भरे हुए हैं, पद्म संदेह चमंडितम, पद्म संदेह, कमल के फूल तो हैं ही, संड कहते हैं कमल के नाल को, सरोवरों में कमल गह गह खिले हुए हैं, कमलों से भरे हुए हैं, और उन सरोवरों में जलचर जो जलविहारी पक्षी हैं वे कुक रहे हैं, हंस कारंडव आकिल, हंस और कारंडव जल में ही रहते हैं पक्षी, जल में तैरते हैं, डूबते हैं और कमल के फूल पर बैठते हैं, ये हंस और कारंडव पक्षी भरे पड़े हैं, गाते रहते हैं सरोवरों के किनारे, सरोवरों में और कमल भरे हुए हैं। इस तरह से ये ब्रज का वर्णन किया गया है। थोड़े में श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन किए, सुविराजितम मंडितम अभिरवम, सुविराजितम गोपावासर मनोरमम पद्म संजय संदेश मंडितम, मनोरम मंडित सुविराजित और नादित, ब्रज नादित है, वहाँ शब्द है लेकिन सारे शब्द भगवान के जस से भरे, यही शब्द की शोभा है, और ऐसे शब्द से युक्त जो स्थान है वह मंडित धन्य है। ऐसे ब्रज में श्री उद्धव जी ने प्रवेश किया, तो नंद बाबा से उद्धव जी की भेंट। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयात्। तमागतम समागम्य, नंद महाराज ने देखा उद्धव जी को कि हमारे घर दरवाजे पर आ गए, दरवाजे मतलब बैठक, जहाँ पुरुष वर्ग बैठते हैं उसको बैठक कहते हैं, इधर हम लोग दलान कहते थे, लेकिन अब दलान का नाम निशान खत्म हो गया, अब सब स्त्री पुर ही बन गया, सब अंतःपुर ही बन गया, बाहरी कोई घर द्वार रहता नहीं, बाहरी कोई घर है तो वहाँ कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति पड़े हैं और इधर कुत्ते पड़े रहते हैं बस, कोई अतिथि आवे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जाए, और वहाँ रहिए तो दिन भर रह ही जाएंगे, कोई पूछने भी नहीं आएगा कि कौन है, अब सब रूप बदल गया, लेकिन हम लोग देखे हैं इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े दलान होते थे, वहाँ पर कोई अतिथि जाए या ब्राह्मण जाए तो उसका स्वागत होता था, इसे समझ सकते हैं कि नंद बैठक कितना भव्य रहा होगा। वहाँ पर जब उद्धव जी पहुँचे तो नंद बाबा ने देखा, पहचान लिया, जब मथुरा गए थे तो उस समय उद्धव जी को देखे थे, नाम भी जानते थे तो पहचान गए, और ये भी देखे कि कृष्ण का यही सखा है, कृष्ण के साथ निरंतर रहते थे, इसलिए कृष्णानुचरम कहा है, कृष्ण के साथ है सदा रहने वाला कृष्ण का अनुचर, देखे तो बहुत प्रसन्न हो गए, उनको आगत जो आ गए तो नंद महाराज उनका स्वागत के समागम्य, सम आगम्य उनके पास प्यार से आए, क्योंकि कृष्णस्यानुचरम कृष्ण के अनुचर है उद्धव जी, इस कारण से नंद बाबा के वैसे प्रिय हैं जैसे कृष्ण प्रियम, तो अपने प्रिय उद्धव जी को आए हुए देखकर नंद प्रीत, नंद बाबा प्रीत परम सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, यह अर्थ है।
प्रसन्न हो गए और परिस्वज उनका आलिंगन किया, जैसे कृष्ण का आलिंगन करते हैं वैसे उद्धव जी का आलिंगन किए। और वासुदेव धिया अर्चयत, साक्षात भगवान विष्णु समझ करके उनका आदर किए, जैसे भगवान की पूजा करते हैं इस भाव से नंद महाराज ने कृष्णानुचर उद्धव जी की पूजा किया, सम्मान किया। अर्चयत, बहुत आदर किया, कुशल समाचार आदि पूछा, सब तरह से बहुत प्रसन्न हुए नंद बाबा। जबकि नंद बाबा कृष्ण के विरह में दग्ध थे, दुखी थे, लेकिन उद्धव जी को आया हुआ जानकर बहुत देख करके बहुत प्रसन्न हुए। डूबते हुए व्यक्ति को जैसे कुछ आधार मिल जाए, तो उद्धव जी कृष्ण के अनुचर हैं, वे आए हैं, तो इससे ये भी अनुमान किया जा सकता है कि कृष्ण भी आएगा, या कम से कम कृष्ण भेजा है तो याद तो किया। इस बात को सोच करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, उनकी पूजा की। यद्यपि नंद बाबा के घर में कई दिन से भोजन नहीं बना था, कृष्ण जब से ब्रज छोड़ करके गए थे नंद बाबा नहीं के बराबर खाए थे, खाते नहीं थे, घर में भोजन बनता ही नहीं था। तो किचन में रसोई घर में सब मकड़ा जाल लगाए थे, कोई परिष्कार नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं था। कभी भोजन बने रसोई गृह में तब ना उसकी सफाई हो, भोजन तो बनता ही नहीं था। लेकिन जब उद्धव जी आए तो नंद बाबा ने सोचा कि मथुरा से यहाँ आया है, इसे अवश्य भूख लगी होगी, तो उन्होंने परम अन्न से भोजन कराया। परमान्न कहते हैं दूध में चावल पकाया गया, दूध में बहुत सुंदर चावल था, उसको पकाया गया, अर्थात केवल खीर बनाया गया। घर में तो दूध था ही और चावल उसी को पकाया गया, इसको परमान्न कहते हैं, परम अन्न, सबसे श्रेष्ठ भोजन यही है। जिस भोजन का संपर्क दूध से हो जाए, दही से हो जाए, घी से हो जाए, तब वो ठीक है। आज के युग में मनुष्यों का कितना दुर्भाग्य हो गया कि भोजन में इन सब चीजों का संपर्क होना असंभव सा होता जा रहा है। तो उद्धव जी को परम अन्न से परमान्न भोजित भोजन कराया गया, भोजन कर लिए संविष्ट, और इसके बाद वे लेटे, लेटने का अर्थ सोए नहीं, ऐसे लेट गए। कशिपौ सुखम, कशिपौ सुंदर बेड था जिस पर कृष्ण सोते थे, उस पर उनका सखा सोया, सुंदर बेड पर, कशिप पर, पलंग पर लेटे सुखम, सुख से। और जब गतश्रम, उनका श्रम चला गया, पर पृछत पाद संवाहना, नंद बाबा ने अपने कुछ सेवकों को लगाया जो उद्धव जी का पाद संवाहन आदि किए। नंद बाबा आदि पैर छूते तो उद्धव जी ग्लानिस में गल जाते हैं, जाते हैं। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो लगेगा कि नंद बाबा ने पाद संवाहन किया, मसाज किया, लेकिन यह बात नहीं। सेवकों द्वारा